बागपत के बड़ौत से शहर इमाम मौलाना आरिफुल हक की अपील, लॉकडाउन के चलते घरों में रहकर मनाएं ईद। शहर इमाम ने कहा, बाजारों की रौनक ना बने, बाजारों में ना जाएं, ईद पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद पर खर्च करें पैसा। बागपत की लगभग 550 मस्जिदों की मरकजी फूस वाली मस्जिद के इमाम हैं। मैं आरिफुल हक इमाम, मरकजी मस्जिद फूस वाली बड़ौत बागपत, आप हजरात की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान शरीफ का बिल्कुल आखिरी मरहला चल रहा है और हुकूमत की जो हिदायत हमें लॉकडाउन के चलते मिली है, हम लोगों ने, आप लोगों ने उस पर मुकम्मल अमल करके एक मिसाल कायम की है। अब इसके बाद ईद जो खुशियों का दिन है वो हमें अल्लाह की जानिब से मिलने जा रहा है, लेकिन ये भी याद रखें कि हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन 4 को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। ऐसे मौके पर हमारे अकाबरीन ने इजाज़त दी है कि जहां जहां लोग जुमे की नमाज घरों में अदा कर रहे हैं तो वहीं पर वो ईद की नमाज अदा कर लें, और जहां जुमे की नमाज नहीं हो पा रही है या जो ईद की नमाज न पढ़ पाए तो वो चाश्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं। ईद के दिन या ईद से पहले हमें बाज़ारों की रौनक नहीं बनना है, बाज़ारों में नहीं जाना है, बल्कि वही लिबास अपना हो, सादा लिबास हो, और ईद के दिन जो हम खर्च करते हैं बाज़ारों में जाकर, उससे बेहतर ये है कि हम उन पैसों को अपने गरीब भाइयों पर खर्च करें, अपने ज़रूरतमंद बहनों पर खर्च करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। बाज़ारों की रौनक बिल्कुल ना बने, यही मेरी आप हजरात से गुजारिश है। शुक्रिया।